हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत देवी जी की पूजा से शुरू कर रही हूँ। गुड्डा यहाँ पे पूजा कर रही हैं आज। फूल जैसा कपड़ा है वैसे फूल है उनका। मैं ऐसा एक टोपी भी देखूँ। मैचिंग में पहनते हैं। मैचिंग मैचिंग हो रखा है। कल भी मैचिंग था। ओहो, मोस पे गिर रहा है। ये तो सिर्फ पानी भर रहा है। ये तो मेरे लिए तो पहले नीचे से बंद किया पानी को। बंद ही नहीं किए तभी तो जा रहा है। वाह वाह, ऐसा काम कर। ये आरओ में करंट तो नहीं आने लग जाएगा? पानी इतना ऊपर जाएगा तो उसके टंकी में पानी गया हो, हालांकि ऊपर चिपकाया तो है। तो मेरे किचन के गीजर में बहुत तेज़ करंट आ गया था, नल में उतरने लग गया था, तो यही गीजर भेज रही हूँ। अगर रिपेयर हो जाता है, उसकी रॉड घिस गई है तो लगा देंगे, तो उसके लिए रिपेयर करा लेते हैं, नहीं तो फिर नया ही लगाना पड़ जाएगा। फटाफट चेंज करो। तो यहाँ विवो स्कूल से आ गए हैं, तो अभी मैं इनको डांट रही हूँ, कपड़े जल्दी चेंज करें, तैयार होंगे। इनके फ्रेंड का बर्थडे है तो आज बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा कपड़ा पहनूं। तो चलो इनको तैयार करती हूँ और मैं भी चेंज कर लेती हूँ। चेंज करके अपने कुछ सफाई कर लेती हूँ जब तक एक दो घंटा हमारे पास है। योगा में नहीं जाऊंगी, योगा में सबकी तबीयत खराब है, सबको फीवर हो रखा है। योगा क्लास में पता चला मैं भी वायरल लेके आ गई, तब क्या करूंगी। तो इसलिए फीस भी भरवाई भाई। हां फीस भी भरवा दी। कैसी फीस? पेटीएम से भर दिया तो बस। हां तो दे नहीं पड़ता। कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, देखो मेरी उंगली आर पार दिख रही है उस पार। इसको मैं इसे चूरा करके कैसे देखा, चूरा हो जाता है तुरंत। तो शुद्ध कपूर की ये पहचान है, एकदम से चूरा हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो, तो एकदम से शुद्ध कपूर है ये। मैंने मंगाया था, ऑनलाइन ही मंगाया था, बहुत ही अच्छा कपूर। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है और यहाँ तक कि ये डिफ्यूज़र के अंदर जब हम डाल देते हैं, इसके अंदर गर्म होकर जब पिघल जाता है तो बिल्कुल भी कालापन नहीं छोड़ता है, एकदम से गायब हो जाता है। तो यही इसकी असली पहचान भी है कि जब हम इसको पिघला दें तो एकदम से कालापन न छोड़े। बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। शाम को 10-15 मिनट के लिए चला दो, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चल के सफाई शुरू करूँ। आज किचन के सारे डिब्बे हमने माँज के सुखा लिए हैं, धो के। तो ये लाई है, ढेर सारी मूढ़ी मैं रखती हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा करके कुरकुरा भून लेते हैं। फिर कभी झालमुरी यानी क्या बोलते हैं आप लोग, भेलपूरी बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, ऐसे ही लहसुन वाला लाई बना लेते हैं। तो ये सब बड़ा काम आता है। तो ये स्नैक्स सारे ऊपर भर के रख देती हूँ इकट्ठा, बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया और लाई हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ें इन डिब्बों में भर के रखती हूँ जो कि हमेशा ही काम आता रहता है। ये भर दिया। इसके बाद में थोड़ा सा हमारे पास टोस्ट वगैरह सब पैकेट मंगाया था नया, क्योंकि सब ख़त्म होने दिया था इस समय, क्योंकि दिवाली की सफाई में सारे डिब्बे वगैरह मांजने थे तो मैं सामान नहीं ले आई थी। तो अभी जाके हमने ऑर्डर किया है ये सारा सामान। सब सफाई ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा कुछ बचा था तो वो सब निकाल लिया था। तो देखिए एक में पोहा डाल दे रही हूँ। पोहा जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे दही चिवड़ा खाना हो, चाहे बच्चों को विभू को भी चिवड़ा और दूध पसंद है, मुझे भी जो है पोहा बहुत पसंद है, तो पोहा खूब हमारे यहाँ चलता है। ये डिब्बा जो अभी उतार रही हूँ उसमें मेहंदी और उसका सामान रखा हुआ है। तो एक अभी खाली है जिसमें कि अभी डालना है सामान, मंगाना भी है, और सारे डिब्बों में हमने भर दिए हैं, सब जमा दे रहे हैं। देखिए कितना, और नीचे पूरा ये पटरिया इस अभी फ्रिज के ऊपर की जो ये है रैक, ये पूरा साफ़ किया है,
बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना किचन में हल्का हल्का चिकना चिकना हो जाता है, तो वो हल्का सा ही है। एक बार बीच में अभी 10 दिन पहले ही साफ किया था, लेकिन 10 से 15 दिन में करना ही पड़ता है इन चीज़ों को। तो अंदर ये सफाई के लिए आज मैंने अलका को पकड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके कराएगी तो हमारा भी टाइम मत गया। अकेले बैठ के करती हूँ ना तो बोर होती हूँ, तो ये मिस्टर मसल से जो भी चिकनापन होता है ये ड्रॉ देखिए मैंने चारे चैनल बाहर निकाल लेती हूँ इसी तरीके से, फिर उसको क्लीन करती हूँ, लगा देती हूँ। बस पानी नहीं लगाती इनमें, बस मार्बल को पानी और साबुन से पोंछती हूँ, इसमें तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर जंग खाने लग जाता है। इस तरीके से हम मैं और अलका दोनों लोग साफ़ करके सारे चैनल बातें करते करते मस्ती से सफाई हो जाती है। बीबू रेडी है, इनके फ्रेंड का है बर्थडे, ये जाना है इनको, तो सबसे पहले चल के गिफ्ट खरीदो आना है, उसके बाद इनको लेके मुझे कुछ बोले तो सुनने में, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट में लिखना कुछ आगे। क्यों भाई इस पार्ट को मत काटना, मुझे देखना है, उसको सब कुछ पता रहता है, पता नहीं क्यों इनको वहां पे छोड़ना भी होगा जहाँ पे पार्टी है, तो चलो छोड़ के फिर आते हैं। चलो लाकर वो आ गए गिफ्ट की शॉप पे, गए वो लेने जिनका वो लेना है ना। तो पूछ लेना चाहिए ना तुम अपने, बिल्कुल पहुंच गए। अच्छा कुछ और ले लो, जरूरी है बैडमिंटन ही लेना, इन्हीं के बराबर इनका दोस्त है। सबसे सस्ता नहीं वो भाई 14 इयर्स का हो गया, वो कैसे देखो ना पेन का सेट हो गया, हाइलाइटर मारता है, थोड़ा सा 3D पेन हो गया यूज़, उसको पढ़ना नहीं पसंद है, पढ़ने की चीज़ नहीं है, गेम टाइप में ये देखिए ये आ जाएगा 3D पेन, ऐसे कुछ भी बनाएंगे ना मॉन्यूमेंट्स वगैरह बना के रख सकते हैं। ये तो मुझे चाहिए, उसके अंदर ये वायरस वगैरह आएंगे इलेक्ट्रॉनिक का, कुछ भी बनाएंगे ड्रॉ करेंगे 3D में कन्वर्ट हो जाएगा मॉन्यूमेंट वगैरह बना, ये ऐसे कोई एजुकेशनल वाला दे दो थोड़ा पढ़ जाए वो भी। बैग भी हो गया, पता नहीं चल रहा इस बार बैडमिंटन। चलो नेम टैग, अरे चाबी देना उसकी गाड़ी की, अच्छा इन सारे गेम पे भाई, इन सारे गेम पे किट्टू के यहाँ डिस्काउंट है 50%। वाह तो जिसको भी लेना है आप लोग ले सकते हो, किट्टू के नाम से सबको पता है, जितने स्कूल में है सबको पता है। अभी दिवाली तक 50% ऑफ है मैक्सिमम बोर्ड गेम्स के ऊपर, जितने बड़े ब्रांड से चाहे एक सा हो एनी हो सब ब्रांड को 50% ऑफ होगी। ओके और बहुत सारी स्कीम तो और भी हैं, आप आओ शॉप पे, बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। अगर ये वीडियो देख के आओगे तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या बात है, सब्सक्राइबर्स को 5% एक्स्ट्रा है। तो चलो आप लोग ले सकते हैं, आपको एड्रेस यहाँ दिखा देती हूँ।
लापिनोस है कोई वहाँ पे? मुझे कोई दिखाई दे रहा है। कहाँ? कोई दिखाई दे रहा है। चलो निकलो, दो अंकल आ रहे हैं। अब ये फोन ले जाओगे? ये वाला मैं कॉल करूंगी। चलो जाओ निकलो। बाय मम्मी। किज जाओ जा पार्टी करने। खुशी ठंडा कुछ मत पीना, पहले दिखाओ किसी दोस्त को। बात करती हूँ, रुकिए कुछ कहीं पे। आप कहीं पर हो क्या अभी? मैम ट्रैवल कर रहे हो क्या? हाँ हाँ कहीं पे हूँ। अच्छा नहीं, एक काम कीजिए, आप ट्रैवल कर दीजिए। उसमें आप जब भी फ्री हो जाओगे ना तो आप सेम नंबर का कॉल कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय। धन्यवाद। बैडमिंटन के सबको पता चल गया कि बैडमिंटन ही लिया है। पहले भी ले आया था, मना कर रही थी मत लो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ये कर दिया, जीरा डाल दिया। इधर गोभी मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। तो इस समय बिना लहसुन प्याज के इसी तरीके से सब्जियां बन रही हैं। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर सब पीस लेती हूँ, इस तरीके से मसाला बना लेती हूँ। उसके बाद में जो भी सब्जी बना ली होती है, आलू गोभी है, आलू पनीर है, शिमला मिर्च पनीर आलू है, कुछ भी, तो इसी तरीके से सब बना लेती हूँ। ये बस सीटी दे दिया, अब मैं आ गई हूँ विभू को लेने के लिए। विभू को लेने आ गई हूँ, रेडी है। हेलो मम्मी। चलो चलो। अरे कैसे ये बच्चे, ये कौन को आ रहा हो? कौन सा है आ रहा? वो गोरा। अभी से दिवाली की पूरी सजावट हो गई। हम लोग बैठे हुए हैं गुड्डा के वेट। क्या है ये? विभू को ले लिया है, इनका पार्टी हो गई। क्या क्या खाया बताओ? पिज्जा, 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 पानी, कोका कोला, लेकिन मुझे मना था तो मैं नहीं पी पाया। तो पिज्जा पार्टी थी, बर्थडे तो उसका कल ही था, लेकिन आज जो है उसने पिज्जा पार्टी अपने क्लासमेट्स को दिया था। तो ये सभी लोग पिज्जा पार्टी कर लिए, तो इनको लेके अब गुड्डा के पास, तो गुड्डा को लेने के लिए अभी हम लोग गाड़ी यहीं खड़ी करके, मेरी कोचिंग बगल में है तो उनका अभी कोचिंग से बस छूटने वाली है, उनको लेके कोचिंग पीछे है, कहाँ देख रहे हो? हाँ, उनको लेके फिर चलते हैं घर। मैं तो आज बहुत थकी थकी सी लग रही हूँ। तो खेला क्या? खेला हमने पहले जंगल खेला, फिर फुटबॉल खेला, फिर बैडमिंटन खेला, और उस बीच में यान ने वो जो छत है ना उस पर एक कॉक निकालनी पड़ी। हाँ दो दो। चलो पापा तो खिलेंगे यार, हम लोग भी चलेंगे कभी। एक एक आधा घंटा लगता है, बन के आने में। हाँ बहुत बड़ा उसको बन के आने में, एक घंटे बाद बन के आया है। वन एंड हाफ जाओगे तो एक घंटे तक वेट करना पड़ेगा खाने के। तो हम खेल रहे थे, ऑर्डर करके खेलने लगे, मतलब
मोनोपोली खेला, जेंगा खेला, उसमें टाइम निकल गया। तो बड़ा मुश्किल है वहाँ 1 घंटा वेट करना। बुटा के लिए तो खाना बना के आई हूँ, तो वो तो वही खाएंगे, फिर वो अपना खा चुके हैं। यहाँ से फूल माला ले लेते हैं चढ़ाने के लिए देवी जी को।